तो गाइस कल जब मैं इस रास्ते से निकल रहा था तो यहाँ पर इसी जगह पर एक बाइक और एक कार की तो भैया जी रास्ते में चलते चलते अभी पहुंच गया हूँ धरासू बैंड में, और धरासू बैंड में मुझे मिले हैं एक भैया जो कि हरियाणा आ रहे हैं और अभी मुझे मिले यहाँ पर धरासू में। तो अभी हम बैठ गए हैं धरासू में और मैं मिलाता हूँ आपको भैया से। तो भैया जी क्या नाम है आपका? भैया जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले मेरा नाम है जितेंद्र, मैं हरियाणा से, मैं ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ लगभग अभी। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉगर, स्वागत है आप सभी का मेरा एक और नए ब्लॉगर एक और नए वीडियो के साथ। तो गाइस दिन की शुरुआत हो चुकी है और अपना ब्लॉग भी शुरू हो चुका है। तो मैं फिर से आज निकल गया हूँ उत्तरकाशी के लिए, क्योंकि अब पिछली बार जब गया था तो उस टाइम जो है मेरा काम नहीं हुआ है। तो गाइस कल जब मैं इस रास्ते से निकल रहा था तो यहाँ पर इसी जगह पर एक बाइक और एक कार की एक्सीडेंट हुआ था, और इतना भयंकर हुआ था ना भाई साहब, मतलब कि मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना है स्कूटी वाला जो है वो आगे था नीचे के लिए और कार वाला जो है वो पीछे से था। तो भाई कार वाला जो है वो बहुत तेज चल रहा था और उसने मतलब कि स्कूटी वाले को जो है ठोक दिया, और स्कूटी वाला आगे से उठ के उसके शीशे के ऊपर गिर गया, और स्कूटी की हालत ऐसी हो रखी थी ना भाई साहब, पूछो ही मत। मेरे पास अभी क्लिप पड़ी है उस वाली वीडियो की, मैं आपको इसमें डाल दूंगा, देख लेना कैसी हालत हो रखी थी भाई साहब स्कूटी की। और कार का तो टायर बिल्कुल पूरा फट गया था, और उसके बाद फिर वो पुलिस वाले आ गए और गाड़ी सीज कर दी होगी उनकी, और भगवान करे वो सब बचे हुए हों जो उनमें बैठे हुए थे। तो गाइस जिस काम से जो है मैं परसों उत्तरकाशी गया था लगभग 10 दिन पहले, आपने वीडियो देखी होगी, तो वो उस दिन मेरा वो काम हुआ नहीं था। और अभी मैं फ़िलहाल जाखन में पहुंच गया हूं, जाखन में मैं आज बिल्कुल ही आराम से जा रहा हूं, क्योंकि आज शाम को मैंने पहुंचना है वहां पर, तो बिल्कुल ही आराम से जाऊँगा, नज़ारों का आनंद लेके जाऊँगा। और गाड़ी भाई साहब इतनी गंदी हो रखी ना, इतनी गंदी हो रखी तो पूछो ही मत यार। आज मैं आपको शॉर्ट वाले रास्ते से ले जाऊंगा, यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट रास्ता है, और जो हमारा ये पूरा कम से कम आधे घंटे का रास्ता है ये मसूरी तक पहुँचने वाला वो छूट जाता है, और यहाँ से लगभग 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा हमें मसूरी के टॉप पर पहुँचने में। तो जो ये मसूरी वाला टोल है यहाँ से एक शॉर्ट रास्ता निकलता है राइट को, ये ऊपर को, तो अभी निकलेंगे हम यहाँ से। ये पूरी खड़ी चढ़ाई है तो पूरी खड़ी चढ़ाई, पर यह है कि शॉर्ट काफ़ी है और ज़्यादातर आदमी जो है इसी रास्ते से जाते हैं बाइक वाले। सोचिए यहाँ पर जो है बड़ी गाड़ी तक चढ़ती है ऊपर, और चलो देखिए गाइस ये निकला सीधा आपका धनल्टी वाली रोड पे, और 15 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगे होंगे नीचे से यहाँ तक आने में, तो बहुत ही ज़्यादा हमारा टाइम बच चुका है। मतलब बाकी अब आज बिल्कुल यहाँ पर कोहरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेरे ख्याल से सुबह के 10 बज चुके हैं, तो जब पिछली बार आया था मैं सुबह सुबह यहाँ पर जो है वो कोहरा लग रखा था, तो इस बार जो है थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, मौसम साफ दिखाई दे रहा है, आगे का व्यू क्या खतरनाक दिख रहा है। और यहाँ का नाम मुझे पता नहीं है क्या है, मसूरी रोड बोलते हैं यहाँ के लिए। बाकी यहाँ से जो व्यू आता है ना भाई साहब बहुत ही तगड़ा आता है, सर्दियों में जो है आप यहाँ पर बहुत ही भयंकर बर्फ़ पड़ती है, तो यहाँ पर आ सकते हो मसूरी में, ज़्यादा दूर नहीं है मसूरी से, मसूरी के पास ही है।
बाकी गाइज आप ये सामने देखो बिल्कुल कितना खतरनाक लग रहा है वो पहाड़, बिल्कुल ही मतलब कि बहुत कम पेड़ हैं उस वाले पहाड़ पे और थोड़ा हरा भरा हो रखा है इस बार तो और भी अच्छा लग रहा है। और पिछली बार ये पूरा धुंध से बंद हो रखा था, कुछ नहीं दिख रहा था, बल्कि आज बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा है आगे का। अभी सुवाखोली में तो ये छोटा सा मार्केट आपको दिख रहा है, ये सुवाखोली का मार्केट है। बाकी यहाँ से व्यू जो है बहुत ही खतरनाक हो जाता है, सामने वाला पहाड़ आज बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और पिछली बार जो है यहाँ पर धुंध लगी हुई थी तो बिल्कुल उसकी वजह से जो है साफ नहीं दिख रहा था, बाकी आज जो है बहुत ही तगड़ा व्यू आ रहा है यहाँ से। वाव तो गाइज रोड की कंडीशन जो है अब बहुत ही बढ़िया बना दी है, बहुत बढ़िया मक्खन रोड बनी है नया नया। परसों जो है पिछली बार जब मैं आया था अभी 10-15 दिन पहले तो उस दिन जो है रोड ख़राब थी, इधर पेंटिंग नहीं हो रखी थी और ये देखो अब 10 दिन बाद क्या ज़बरदस्त रोड बना दी है। बाकी ऊपर जो ये बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ये सारे देवदार के पेड़ हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये रेस्टोरेंट का नाम भी देखो, देवदार इस्टेट पोरवालियाल, ये को ऐसा नाम है। और यहाँ जब नई नई ट्रिप करते हैं ना, मतलब नई नई जगह पर जाते हैं तो नया नया एक्सपीरियंस मिलता है और नई नई चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो जैसे ये चीज़ तो हमारे लिए नया ही है, अब मैं तो काफ़ी बार आ चुका हूँ इधर से, तो ये है कि अब मुझे भी अब थोड़ा ऐसे लगने लग गया कि चलो मेरा रास्ता जो है यहीं से है, तो अब ये सारे देखे देखे लग रहे हैं। पर जो नए लोग आते होंगे ना उनको कैसा लगता होगा भाई, मतलब कि कहाँ से आए हो भैया? बढ़िया, कहाँ से आए हो? हरियाणा से? हाँ गाड़ी देखी मैंने हरियाणा से। अभी कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ ऊपर हर्षिल वैली, गंगोत्री। गंगोत्री भी जा रहे हो? अच्छा 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 तो कितने दिन का टूर है आपका? YouTube चैनल है आपका? अच्छा साइकिल पे। अच्छा अच्छा हाँ 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 अच्छा 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 हाँ अच्छा YouTube चैनल होगा आपका। अच्छा ठीक है। तो भैया जी रास्ते में चलते चलते अभी पहुंच गया हूँ धरासू बैंड में, और धरासू बैंड में मुझे मिले हैं एक भैया जो कि हरियाणा से आ रखे हैं और ये ट्रैवल करते रहते हैं और अभी जा रहे हैं शायद यहाँ से उत्तरकाशी के लिए जा रहे हैं, और अभी मुझे मिले यहाँ पर धरासू में। तो अभी हम बैठ गए हैं धरासू में और मैं मिलाता हूँ आपको भैया से। तो भैया जी क्या नाम है आपका? भैया जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले मेरा नाम है जितेंद्र, मैं हरियाणा से, मैं ट्रैवल व्लॉग बनाता हूँ लगभग। अभी फिलहाल इससे पहले मैं लद्दाख साइकिल से करके आया। जी जी। तो अभी मैं जा रहा हूँ उत्तरकाशी, इधर गड़तांग गली और आगे क्या हर्षिल वैली, हर्षिल वैली ये वाला एरिया घूम के फिर मैं जाऊंगा नीचे, मतलब सारा उत्तराखंड अपनी सीरीज चल रही है। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप हर्षिल तक जाओगे तो हर्षिल से भी मतलब ज्यादा से ज्यादा मुश्किल 20-30 किलोमीटर है गंगोत्री, गंगोत्री से भी घूम के आ जाना, क्योंकि वो एक धाम भी हो जाएगा आपका देख के। और सही बात है, गंगोत्री जाएंगे, जरूर जाएंगे भैया, अब तो जरूर जाएंगे अगर इतनी पास रह गए ना, तो फिर क्या छोड़ के आना। भैया मेरे को चिन्नेलीसौड़ में मिले थे तो चिन्नेलीसौड़ से हम यहाँ तक अभी साथ साथ में आए, तो चलो भैया अभी चाय पानी पीते हैं, चलेंगे उत्तरकाशी तक, इकट्ठे चलते हैं, उसके बाद अपने अपने रास्ते भाई। ठीक है। तो जी भैया जो है वो हरियाणा से आ रखा था और भैया जो है वो घूमते रहते हैं, पर मैंने पूछा उनसे तो वो बता रहे थे कि मैं लद्दाख करके आ रखा हूँ, अभी उत्तराखंड की टूर पे आ रखे हैं, अभी उत्तरकाशी घूम रहे हैं, उसके बाद फिर बागेश्वर घूमेंगे, रुद्रप्रयाग घूमेंगे, मतलब कि वो भैया जो है ये घूमते रहते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा भैया से मिलके, भैया ने कुछ, भैया को ज़्यादा जल्दी नहीं है पर मेरे को थोड़ा जल्दी थी इसलिए मैं निकल गया, नहीं तो मैं भैया के साथ आराम से आके फिर उसके बाद उत्तरकाशी में मिल जाता मैं भैया को। तो चलो कोई नहीं आप। तो गाइज इंटर कर चुका हूँ मैं उत्तरकाशी में, बाकी आपको सामने का जो शहर दिख रहा है वो है उत्तरकाशी मार्केट पूरा। ये है यहाँ की स्टलन और इसके जैसे ही बाहर निकलेंगे हम ना ऐसी बदबू आती है ना भाई, भाई सो पूछो ही मत यार, बहुत ही गंदी बदबू आती है यार।
क्योंकि इन्होंने जो है ना कूड़ादान बना रखा है ये यहाँ पर साइड में, और पूरा शहर का जो कूड़ा है वो वहाँ पर डिस्पैच करते हैं ये लोग। तो जी पहुँच गया हूँ उत्तरकाशी में, और ये मार्केट पूरा है। ओए ये पूरा मार्केट है उत्तरकाशी का, यहाँ पर आपको पूरा रहने खाने की व्यवस्था सारी मिल जाएगी। यहाँ से जो है ये बसें लगती हैं सारी धनारी के लिए, मतलब आप कहीं भी जाओ यहाँ से देहरादून तो वहाँ के लिए जो है बसें मिलेंगी आपको। बाकी पहले